हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा तो जाओ देखो यार। तो गाइस अभी शुरुआत करते हैं अपनी रूमिंग से। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्रूड ऑयल, और फिलहाल तो मैं देख रहा था रूम कहाँ पर है इसका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए मैं यहाँ पर रूम नहीं किया था। और एक यहाँ पर पर्पल आई थिंक, यस पर्पल है, भरा हुआ है। तो फटाफट से अपन फ्यूज़ डालते हैं और करते हैं भैया रूम। और पता नहीं ड्रैगन कहाँ पर मर गया, वो इसको बोला था फ्यूज़ व्यूज़ डालियो पर कहीं अटक गया है वो। खैर वो आता रहेगा, अपना पहले अपना काम कर लेते हैं यार। उसके आने तक कि मैं यहाँ का पूरा रूम ही फिनिश कर लूँगा भाई। मेरे का ऐसा टीममेट है, देख रहे हो, वो अपने नशे में धुन है। वो मेरे को बचाने को छोड़ने के, अगर कोई बंदा आ जाएगा ना पीट पाट के चला जाएगा तो भी वो वहीं पर रहेगा। ओके डाल लेते हैं यहाँ पर, वैसे 15 में कर लेता हूँ, 15 भी नहीं लगता, 7-8 में हो जाती है मेरी। और एक टीममेट देखो, कोई चीन में तो कोई जापान में, भाई साहब कोई तो आओ यार, कोई मतलब कि स्क्वाड आ गई दो धा के निकल गए तब तो हो गया यार मेरा काम। ओके डाल लेते हैं फटाफट से, दे दो भैया कुछ तो दे दो। ओके स्टील मिला, वैसे पहला दिन है तो ज़्यादा उम्मीद तो रखना नहीं चाहिए। जब तक 24 घंटे नहीं होता है सर्वर में तब तक AR तो आती है नहीं, तो फार्मस उसी से काम चलाना पड़ता है। और फिलहाल तो मेरे पास है एक फेमस SMG, पता नहीं क्या है, जो भी है मुझे दिख नहीं रहा वो अच्छे से, क्योंकि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, हमको पता नहीं क्या चीज़ है अपने, ये ऑलरेडी हो चुकी है। ओके मेरे पास सभी प्रकार के कार्ड्स है और इस पर तो सही से मिल जाता है यार। और ये बगल वाले रूम में कर लेते हैं, इसको पहले निकाल लेता हूँ, देखो अभी कितना बचा है, काफ़ी बचा हुआ है। ये तो बोल रहे थे ना हम जॉर्ड, हम जल्दी कर लेते हैं रूम्स। अपन चलते हैं ब्लू पे, आई थिंक ब्लू का हो गया है शायद, जाके देखना पड़ेगा। अभी SMG से मारपीट अपने सर्वर में चालू है लगातार, थोड़ी थोड़ी देर में किल फील्ड में नाम आएगा क्योंकि यार नया सर्वर तो आएगा ही। ओके ये ब्लू रूम है और देखते हैं यहाँ पर आया हुआ है कि नहीं। एक ही तो है लग रहा है, बोलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा यार, कहीं दूसरी जगह चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ अपने को मिलने वाला है नहीं यार, अपन दूसरा जगह चलते हैं यार। रिपोर्ट पहले चेक कर लेते हैं, वही अपने पूरे बंदे हैं यहाँ पर, तो अभी थोड़ी देर पहले फाइट करके भगाए थे पाला पार्ट में आपने देखा था, उसके बाद से कोई बंदा तो आया है नहीं। और ये बंदा पता नहीं GT सो रहा है, पास ही में ये बंदा, इसका बेस जो है थाईलैंड में कुछ लिख रहा है, समझ तो नहीं आ रहा अपने को। और ये ज़ॉम्बी लोग बहुत गंदा ग्लिच हो रखे हैं, मतलब कि भाई बहुत दूर से मार रहे हैं। पहले दिन में ऐसे बहुत दिक्कत होती, जैसे कि बुलेट रेंडर नहीं होती वगैरह वगैरह, मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ यार। ओके मेमोरी अपनी फ्री हो रखी है, अभी और थोड़ी स्मूथ चलेगी गेम अपनी आज, अभी तो भी दो चार डंडे खा ले। वैसे मेरे पास नाइफ है लेकिन मैं उसको तो कुछ अच्छी जगह के लिए रखा हूँ ताकि काम आ सके। कई जगह ऐसी होती है ना, जैसे कि अब हम किल हो गए और अपने पास बैग होती है तो वहाँ पर ग्लाइड वेट करो और मारने का एक चांस रहता है, इसलिए मैं इसको रखा हुआ जो बॉन्डेड है। खैर ये काम तो नहीं आने वाला, वैसे एक ग्रीन है, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। अभी यार काफ़ी सारा रूम्स करनी है और अपने कंपोनेंट तो भी बहुत चाहिए, और फार्मिंग के लिए मैंने ऑलरेडी रख रखा है तो फार्मिंग भी दिखाने वाला हूँ कि अपने जो बंदे पहले दिन में कितना फार्म करते हैं। वैसे हम लोग टारगेट वगैरह नहीं देते हैं बट फिर भी वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतने करते रहते हैं। कोई 24 आवर फार्मर है तो कोई भाई पार्ट टाइम फार्मर, यानी कि कोई नाइट में आता है कोई डे में, ऐसा रहता है, अपने अपने मूड के हिसाब से फार्म करते हैं। इसी टाइम पारा पूरा चीज़ दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस तो यहाँ कभी फटाफट से कर लेते हैं, वैसे लोग तो हाँ अब जग गए हैं अपने गहरी निद्रा से और मेरे पास आ गए, तो मैं फिर से चिपक गया लग रहा है मेरे को। ओके खुल गया खुल गया, ये बैग खोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है यार, समझ नहीं आता कब ठीक होगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भैया फ्यूज़ डाल दियो जब मैं पहुँचूँ तो। हम लोगों से तो 1 से 2 में मतलब पूरा रूम हो जाता है, एक रूम 2 फ्यूज़ से काम चल जाती है। चलो डाल दो भैया। ओके डाल दिए इसमें, चलो डालते हैं फटाफट छोड़ते हैं। ओके RN100 भी चाहिए यार, अपने बंदे काम ऑन कर रहे हैं ना तो उसी लोग चाहिए। ब्लू कार्ड भी रख लेते हैं, सामान से मिल जाएगा किस पर मिल जाएगा अपने को। और ये बॉक्स भी तोड़ लेते हैं सर, इतना खास सामान तो यहाँ पर मिलने वाला है नहीं अपने को। और इसके बाद चलते हैं सीधे दूसरे जगह पे। तो कल यहाँ रूम करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं नंबर 1 के रूम करने। तो यहाँ पर वैसे पर्पल कार्ड आ चुका है तो मैंने सोचा कि पर्पल कार्ड ले ही लेते हैं, और आसपास के जितने भी रूम हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल तो कोई आने वाला है नहीं यार, क्योंकि वो लोग आई थिंक फार्मिंग पे जुटे होंगे और यहाँ पर भी हम लोग रूम कर रहे हैं और अपने फार्मर ऑलरेडी रूम में इनके फार्मिंग पे लगे हुए हैं। तो इसके बाद अपने को जाना है एयरपोर्ट, वैसे इससे पहले जो जितना भी रूम होगा उतना अपन कर लेंगे और यहाँ से अपन डायरेक्ट चलेंगे दूसरे वाले रूम पे यार, फटाफट चलते हैं वहीं पर। तो यहाँ से रूम करने के बाद हम लोग चले गए हैं
दूसरी जगह पे जिसका नाम होता है न्यूक्लर, और यहाँ पर भी अपने को एक ब्लू कार्ड मिल गई। आई थिंक एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है, तो ये तो ग्रीन रूम है आई थिंक, वो वाला देखते हैं शायद वो भी ग्रीन हो। यार जो भी हो उसको भी तो करना ही है, तो फटाफट वहाँ पर ही चलते हैं यार। और ये ड्रैगन कहाँ से मर गया? अच्छा ये कोई फ्यूज निकाल रहे हैं। अपन साइड से जाएंगे, उसके बाद चलेंगे एयरपोर्ट जहाँ पर तीनों कार्ड मिल जाएगा अपने को, मतलब तीनों रूम है वहाँ पर भी, ग्रीन ब्लू पर्पल। तो ये अपनी अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में तीनों के तीनों हैं। और बायो शायद हो सके तो कर लेंगे, वैसे तो लग उतना में फुल हो जाएगा। इसके बाद मैं ड्रैगन को ही बोलने वाला हूँ कि भाई तुम ही रूम करो मेरा, क्योंकि बैग फुल होने वाला है थोड़ी देर में, फुल हो जाएगा। कहाँ गया भाई इसका रूम, कहाँ गया? सब जो हो गया भाई, मेरे को 5 डॉलर भी वैसे तो हो गया। धीरे से लेवल कर लेते हैं, अच्छी हो जाता है तुम जॉम्बी वॉम्बी मार के। आपको भी अगर इसमें अपने अगर लेवल अप करनी है तो जॉम्बी ज़्यादा मारा करो, तो जल्दी से आपका भी लेवल अप हो जाएगा। ज़्यादातर मैं क्रूड ऑयल पे जाता रहता हूँ, तो उसमें अपने को क्रूड का क्रूड भी मिल जाता है और लेवलिंग अप भी हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन है, फटाफट से खोल लेते हैं, क्योंकि अपने को डीप रिफाइनर भी नाम का चीज़ जो है चाहिए यार, क्योंकि समय तो मिलता नहीं, रेड करके लेना पड़ता। देखिए सर उन्हें मिलता है कि नहीं अपने को, और यहाँ पर भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, राइफल की फ्रेम मिली हुई है। चलो भाई यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट गाइस अपना एयरपोर्ट पे, वहाँ पर देखते हैं अपने को कुछ मिलेगा या नहीं। ऑलरेडी गाइस तो हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट, और ये कौन सा रूम है पहले देख लेते हैं। ड्रैगन तो पहले छिपना चालू कर दिया, आई थिंक ये ब्लू रूम है, तो ब्लू में तो ऐसे रिस्पॉन्ड हो रही है एक डेट जैसे, तो मैं आई थिंक मेरे को लग रहा है शायद रेडिएशन से मरा होगा। तो पहले खोल के देखते हैं कि वहाँ पर रहा है कि नहीं उसके पास, और मेरे पास कुछ बर्न कार्ड पड़ी हुई तो उसको भी इस मेंटल मशीन में डाल के इस पर ले लेनी है। तो मैंने इसको बहुत दिया फ्यूज़ लगाने को, अभी देखते हैं क्या। तो भाई खुल जा खुल जा, सिमचिम खुल जा, अभी लगा रहा है कि नहीं है क्या यार, लगा दे, कितना टाइम लगाएगा तू? अभी भी नहीं लगाया इसने, वाह क्या कर रहा है यार ये, कुछ ज़्यादा ही भाई कंजूसी कर रहा है। अभी खुला, खैर इसमें कुछ नहीं है, मास्क था तो था बंदे के पास, ये रोम ही नहीं आ रहा है, आई थिंक आने वाला होगा। खैर इसको मैं आते जाते कर लूँगा। और भाई तू वैसे वायर डाल दे, क्या कर रहा है, वायर डालने में इतना टाइम लग रहा है तेरे को, भाई साहब डाल दे। ये 800 क्या दिखा रहा है, इसका 800 का लिमिट लग गया है क्या? खैर बगल में आई थिंक ये पर्पल रूम होना चाहिए, ज़्यादातर सेंटर पे होती है। मैं सब बोर्ड पोर्ट मारता हूँ, अभी देखो मेरा पागलपन देखो, मेरे पास फार्मस है बट वो नहीं है, इसका स्कोप नहीं यार, तो स्कोप तो चाहिए चाहिए। मैंने इसमें लगा था एक अटैचमेंट, तो वो देख के आई थिंक उसमें लगा कि मेरे को रेड डॉट होगा, तो वही पकड़ के आ गया। और पता चला वहाँ पर तो भाई SMG का सप्रेसर था, तो सप्रेसर तो कोई काम की होती है नहीं, थोड़ी बहुत होती है, हल्की फुल्की उतना ज़्यादा पता नहीं चलती। यहाँ पर क्या मिला? कुछ नहीं मिला, फिर बोन सेट जो तो अपने को चाहिए यार। और मैंने तो यहाँ पर अपनी इंटर विंग तो बना ली है हवर बोर्ड, और इसी से अपना पूरा भाई ताम झाम होता है। वैसे तो आप बताओ कि आपके एक सर्वर में ये भैया क्या हो गया, आपको कोई सर्वर होता है जिसमें आप अपनी ग्लाइडर या हवर बोर्ड होते हो तो उसको तोड़ लेते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर अपने बंदे तो आराम से तोड़ ही लेते हैं, और मेरा भी बर्निंग कंडीशन में थोड़ी बहुत तो होने के बाद टूट जाएगी, क्योंकि पूरा मैप इसी से ट्रैवल करनी होती है ना अपने को, और कहाँ पैदल जाओगे तो भाई लग गए अपने रास्ते। ओके कौन से रूम में देख लेते हैं, और सामने से टैंक भी परेशान करने वाला है अपने को। और यहाँ पर मेरा चार्जिंग यार 2% बचा हुआ है, देख सकते हो पूरा चार्जिंग की भाई दही बड़ा हो रखा है। पहले तो मैं यहाँ पर सेफ हो जाता हूँ यार, वैसे बजूका तो मारेगा तो उठने ही वाला हूँ, आर पार मार रही थी पहले पार्ट में तो हमने देखा था। ओके तो यहाँ पर ठीक रहेगा आई थिंक। चलो मैंने कनेक्ट तो कर रखा है चार्जिंग, अभी ये कर लेते हैं रूम। मैं बार बार क्लियर कैच कर रहा हूँ भाई, क्योंकि देख रहे हो बैकग्राउंड में मेमोरी जमा हो रही है, और जितना ज़्यादा कैचेज जमा होती है ना उतना ज़्यादा गेम लैगी होता है। फिलहाल देखते हैं कोई है क्या रिपोर्ट में, फिलहाल तो कोई नहीं, रिपोर्ट क्लियर है, जल्दी से डाल दे भाई वायर, काफ़ी टाइम लगाता है गेम में। कछुआ अगर पूरा कछुआ छापा ही है भाई, कुछ तो दे दे, शॉटगन ट्रैप से ऑयल बम, ऑयल बम तो नहीं मिला, तो यही से सब फेंक के मारा था। अरे लिहाज वालों कुछ तो दे दो, अरे ढंग का दे दो कुछ, इसमें क्या मिला? इसमें भी कुछ नहीं मिला, अपनी किस्मत ही फूटी टूटी है। अरे तू खोल दे भाई, कितना टाइम लगाता है ये,
बंदा काफ़ी धीरे धीरे कर रहा था, टैंक को देख रहा था मैं, टैंक तो यहाँ पर है नहीं। ओके गाइस चलते हैं अपने दूसरे लोकेशन पे। ऑलराइट गाइस तो यहाँ पर एक और ड्रॉप आ चुका है जो कि है अपने सर्वर का दूसरा ड्रॉप। इससे पहले जो सी पाया था आई थिंक उसका रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं मुझे भी नहीं पता, तो अगर होगा तो मैं अगले पार्ट में दिखा दूंगा अपकमिंग आने वाली वीडियो पे। और यहाँ पर आ चुके हैं जोजो भाई और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं। शिपिंग पोर्ट पे होता है जो बहुत ही पास होता है, इससे पहले मैं थोड़े बहुत रूम कर रहा होता हूँ बट मेरे को कुछ मिलता नहीं, कोई बंदा ऑलरेडी लूट कर चुका होता है। और यहाँ पर मैं कछुए की स्पीड से आगे बढ़ते हुए, और वैसे रिपोर्ट में मेरा दोस्त ऑलरेडी देख के बता चुका है कि भैया कोई एनिमी है, थोड़ा देख के जाना, हो सके तो तुम ऊपर लैंड करो ताकि हम नीचे वाले को आराम से मार सको। देखो यहाँ पर कोई बंदा है। खैर ये कहाँ पर लैंड कर, ओके यहाँ पर करते हैं। और ये बंदा देखो आराम से छिपा हुआ है, और भाई साहब इसी ने अनलॉक किया है। चलो ये ख़त्म हो गया, ओके ओके मर गया है, ज़बरदस्ती मारता है यार बेचारे को। चलो इससे सामान देखते हैं क्या क्या है, इससे मिलता है सामान अपने को। देखो ऐसा अगर छिपोगे ना तो ग्लाइडर वाला आराम से आपको मार देगा, तो ये पहली बात तो छिपने की जगह है ही नहीं, यहाँ पर छिपने से कोई मतलब नहीं है। अगर छिप रहे हो तो भाई पूरा ऑलराउंड देखते रहो। इससे देखो काफ़ी अच्छा सामान है यार, पूरा स्टार्टअप इसने सामान रख रखा है और पूरा कार्ड वगैरह भी है, तो यहाँ पर हम लोग रूम वगैरह तो कर ही लेंगे। खैर मैं अपने दोस्त को इसे ज़बरदस्ती भेज देता हूँ कि भाई जाओ मेरे पास कार्ड नहीं लेके आओ, मैं बैग खोल के देखा नहीं होता क्योंकि मैं लूट करता हूँ तो मेरे को पता नहीं होता कि क्या क्या मेरे को मिला है, बस फटाफट से उठा लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पर तो देख रहा था बट दिमाग से निकल जाता है कि मेरे पास कार्ड वगैरह है। मैं अपने टीममेट को भेजता हूँ कि भाई जा तुम रूम वगैरह है करेंगे तो कार्ड वगैरह लेके आओ। ओके यहाँ पर थोड़ी बहुत सामान है, इसको भी फटाफट से उठा लेता हूँ। वैसे मैं आराम से हट रहा होता हूँ क्योंकि मेरा टीममेट ऑलरेडी वो चेक कर रहा होता है कि कोई एनिमी है या नहीं रिपोर्ट में। तो गाइस यहाँ पर उस बंदे को फिनिश करने के बाद एक और बंदे का जो है रिपोर्ट में आते रहता है। वैसे तो इसके पास ही में एक बेस रहता है तो मेरे को पता है किस साइड से आने वाला है, और यहाँ से मैंने दूर से पहले जाते हुए देख लिया था, शायद आपको दिखा होगा वो। तो यहाँ पर तो बंदा देखो आ रहा है, आ जाओ भैया आ जाओ, कहाँ पर हो तो देखो आराम से आ रहा है वो। खैर उसको कोई आइडिया नहीं है कि इधर हम बैठे हुए हैं, लेफ्ट से देखो यानी कि सॉरी राइट से देखो, वो तो आपको पता चल जाएगा। ओके आ गए यहाँ पर, जैसे अभी तक उसको पता ही नहीं कि मैं इधर हूँ। चलिए गया, नॉक हो गया, चलो फिनिश करते हैं। तो उस बंदे से तो अपने को ठीक ठाक सामान मिल गया होता है, और ड्रॉप से तक अच्छा सामान तो मिलता नहीं क्योंकि दूसरा ड्रॉप है तो उतना उम्मीद भी नहीं रख सकते। जब चौथा ड्रॉप ना है तब तक कुछ अच्छा सा ड्रॉप नहीं होता। और हमारे बंदे बोल रहे हैं कि यार हमारे बेस में कोई बंदा है जो कैंप करने आया हुआ है, तो यार हम लोग सभी लोग वहीं पर जा रहे होते हैं और सारे बंदे उधर ही जा रहे होते हैं। यार मैं भी उधर ही नहीं कर रहा हूँ कि कोई एनिमी है तो देखते हैं, बस स्टार्टअप ही करने के उद्देश्य आया होगा और कैंप करके कुछ संभाल लेना चाहता होगा। एक हमारा जो टीममेट है उसको मार दिया, अभी जाके देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ पर। सारे बंदे तो उधर ही भाग रहे हैं, मैं भी चलता हूँ। चलो यार फटाफट मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और डायरेक्ट बेस का सीन दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या चल है। और लड़ गया तो यहाँ पर मैं अपने बेस के पास पहुँच गया और रिपोर्ट में देख रहा तो दो तीन बंदों का नाम आ रहा है यार, तो जाके ही बताते हैं। वैसे तो मेरा टीममेट ऑलरेडी पहुँच गया है और उसकी पेटी बना दिया है, और एक और बंदा है देखते हैं, शायद इनके पास पीस मेकर है। ओके फिनिश हो गया एक बंदा, अभी देखते हैं यार कि क्या हालत है। ओके पास में पहुंच गया हूं, और ये अपना कुछ इस प्रकार का झोपड़ी वाला बेस है, ये फिलहाल अभी कोर एरिया पर्पस डिज़ाइन है। ओके इसका ही मरा, अभी कौन सी स्काई पता नहीं, वैसे स्काई वाले बंदों से तो थोड़ी डर ही लगती है, साले हैक वैक करते रहते हैं। ओ भाई अपना बंदा टिल गया, चलो भैया हम भी ठोकते हैं। ओ भाई साहब जंपिंग जपाक कर रहा है तो। ओके ऊपर से टिल दिया, अबे कितना पीस मेकर है इसके पास, ऑलरेडी एक दो यूज़ कर चुका है। फिर से उसने मारा, बढ़िया। खैर मेरे हेल्थ तो भी काफ़ी सही थी, अरे रेड रेड का डैमेज दिखा रहा है, पता नहीं रेड वाला डैमेज। थोड़ा सर्वर स्टार्टअप के लिए दिक्कत होती है, सर्वर जब भी स्टार्ट होता है ना तो ये रेड वाला दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज है वो शो नहीं करती है, बस रेड रेड दिखाता है। और देखो मैं बोला था ना पूरा भाई स्टार्टअप का सामान हो गया इनके पास भी, जितना भी अपने को बंदे मिल रहे हैं उनसे अच्छी खासी सामान मिल रही है यार। तो ये वाला सामान तो भाई मेरा बैग भर रखा है, इन बंदों को मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से सामान उठा लो, काफ़ी सारा पड़ा हुआ है।
और देखो अभी तक मैंने अभी तक लॉक अनलॉक नहीं किया यहाँ का। चलो मैं बेस के अंदर चलता हूँ। अरे बेस के बाहर ही तो अंदर चलते हैं। अरे बंदे तो वैसे दोबारा वापस आने वाले क्योंकि इनका रिपोर्ट में नाम आ रहा होता है, मेरा टीममेट बताता है। अभी चलते हैं यार। देखो एक और कुछ होगा। देखो एक बंदे का नाम आ रहा है चाइनीज़ वन करके। खैर इनका तो वैसे लीव करने का टाइम आ गया क्योंकि इनका पूरा सामान अपने पास है। फटाफट से हम अंदर घुस गए और पूरा सामान डिपॉजिट करके फिर से अंदर जाते हैं। भाई मेन गेट कहाँ है यार यहाँ का? पूरा घूम लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्स लगी हुए हैं। यहीं पर खाली कर देता हूँ। ओ भाई साहब देखो कितना सारा कार्ड है, ग्रीन ब्लू और स्पेयर भी इन्हीं के पास। वैसे मैंने स्पेयर फार्म नहीं किया हूँ, उसमें इन्हीं का सब जितना भी है और उस बंदे का जो पहले मारा था ना उनका है। तो पहले डिपॉजिट कर लेते हैं फटाफट। ये तो काफ़ी सारा बचा है यार अपना सामान। बंदे के पास दो दो तीन तीन समझी हैं यार, लगता है मारते पीटते आए हुए हैं। काफ़ी सही अटैचमेंट वगैरह है इसके पास, कंपोनेंट्स की कमी नहीं है बंदे के पास। यानी सर्वर स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सही था। आई थिंक इनका बेस तो होगा यार, इतना सारा सामान है तो होना चाहिए क्योंकि ये लोग रूम वगैरह कर रहे थे और पास ही में इनको आई थिंक ये लोग डॉक से डॉक के आसपास से आ रहे होंगे और ये बेस दिखा होगा तो इनको लगा कि हाँ यहाँ पर स्काउट कर सकते हैं, यानी कि कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट हो सकती है इस बेस से। इसके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे और फिलहाल उनके साथ गलत सीन हो गया कि पूरा यहाँ पर लीजिए नहीं था। यानी अपने पाँच छः बंदे अभी ऑनलाइन लाइन है, शायद ऑलमोस्ट शायद सात आठ बंदे जो हैं ऑनलाइन हैं। फार्मर लोग अपना फार्म कर रहे हैं, हम लोग अपना रूम वगैरह कर रहे हैं। यानी चार बंदे इधर कर रहे हैं और एक बंदा बेस में था, तो पाँच ऐसे हो गए और दो तीन बंदे इधर फार्म कर रहे थे। तो इसलिए अपना पूरा क्लाइंट ऑनलाइन था तैयार। ऐसे में तो कोई भी बंदे का कैम्प करना बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर से मैं देखा कि यार रिपोर्ट में चाइनीज़ का नाम आ रहा है, तो अपने टीमर को बोलते हैं यार देखो कहाँ पर है बंदा। तो अभी जाके देखते हैं क्या क्या कर रहा है भाई साहब वो। और चलो जाके देखते हैं ये पर फुट स्टेप आ रहे हैं। वैसे तो विक्की कभी हो सकते क्योंकि वो टीम से बाहर जाए। चलो मैं जाके देखता हूँ क्योंकि आस ही पास हो सकता है बंदा। एक भाई साहब इसने छोटा सा बेस बना रखा है यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी सामान है थोड़ी बहुत, इन लोगों ने उठाया नहीं। और अंदर साइड की कोई बंदा गया है अभी दिखा मेरे को। देखो फुट स्टेप आ रही है। ये बंदा कहाँ घुस गया भाई? भाई साहब कुछ नहीं लग रही इसको, डैमेज नहीं हो रही है, मेरी डैमेज तो नहीं हो रही है। अबे बेसल के अंदर कैसे घुस गया तू? भाई मचेट मार रहा है, हैकर लग रहा है मेरे को ये तो। वैसे यहाँ पर तो हम लोग फाइट वाइट मतलब कि कुछ कर नहीं सकते ना, ये बंदा मचेट क्यों मार रहा है मेरे को? ओ भाई भाई हाँ हैकर है, हैकर है। देखो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ऐसे अगर तुम नॉर्मल फंसोगे तो ऐसा ऊपर आना तो मुश्किल होता है। शायद ये बंदा हैक करके अंदर घुसा हुआ है। देखो कहाँ घुस गया पता ही नहीं चल रहा है, वहीं से पर है क्या? चलो देखते हैं अंदर, इस साइड से देखते हैं। यहाँ पर बैठ गया वो, बैंडेज मार रहा है। 30 का डैमेज पड़ा, फिर से 20 20, चलो ख़त्म। अभी कितना डैमेज पड़ रहा है अभी, इसको मर ही नहीं रही है। अभी देखो फिर से ज़िंदा हो गया क्या वो? वो देखो फिर से ज़िंदा हो गया, ये कैसे हो गया भाई? देख रहे हो कैसे हो रहा है ये? अभी डैमेज ही नहीं हो रहा है। सही है भैया, भाई इतना मारा बंदे को, अलग ही सीन है यार। मतलब डैमेज कितना ज़्यादा उसको देना पड़ा, नेकेड बंदे पे आते ही नेकेड था या पता नहीं क्या था, शायद नेकेड तो नहीं होना चाहिए। और नाइफ वगैरह बजा रहा था मेरे को और उसका सामान भी नहीं मिलेगा यार क्योंकि बेसल के अंदर घुसा पड़े, तोड़ना पड़ेगा। तो खैर उसके चक्कर में अपना बेसल तो ना तोड़ूंगा मैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी सारा। फिर से मैं रिपोर्ट देख लेता, कोई बंदा थोड़ा ना आ रहा है। ओके अभी रिपोर्ट क्लियर है और सारे बंदे अपने क्यों हैं फिलहाल, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल राइट गाइस, तो वीडियो का पार्ट टू यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस पार्ट यानी कि इस पार्ट में बस यहीं तक दिखाने वाले हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अजय सब्सक्राइब नहीं करा कर लो सब्सक्राइब, लाइक बटन नहीं दबा दे दबा लो और कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।